ऐसे एरिया में मार्शी एरिया में जब गए होंगे वहां पर फ्रॉग्स बड़े जोर जोर से आवाज़ करते हैं उनके टर्टर -टर करने की आवाज़ आती है इज इट रिलेटेड टू देयर लाइफ स्टाइल इज इट रिलेटेड टू एम्ब्रिक डेवलपमेंट क्या दोनों जेंडर्स आवाज कर सकते हैं या फिर फ्रॉग का एक ही जेंडर आवाज करता है इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक मिलेंगे वेलकम टू एस चंद एकेडमी माई ने मेज़ आदित्य एंड वी आर लुकिंग एट डेवलपमेंटल आस्पेक्ट्स ऑफ वेरियस ऑर्गैनिज्म हम डेवलपमेंटल बायलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी की बात कर रहे हैं और अब तक के वीडियोज़ में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझे कि किस तरह से स्पर्मेटोजेनेस जूजेनेस होती है एंड कैसे उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है साइड बाई साइड हमने ये भी देखा कि फर्टिलाइजेशन के दौरान उसके बाद किस तरह से अर्ली डेवलपमेंट होता है और गैसुलेशन स्टेज तक कैसे एम्ब्रियोज पहुँचते हैं इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम फ्रॉग के बारे में डिस्कशन करेंगे फ्रॉग के अर्ली डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे अनटिल द द कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ अ फ्रॉग इनफैक्ट हम एक और टॉपिक भी इसमें साथ में इंक्लूड करेंगे दैट इज मैटम ऑफ फ्रॉग्स जिसके बारे में एक एलाबोरेट डिस्कशन किया जाएगा अगर आपको इन टॉपिक्स के बारे में और कुछ पढ़ना हो तो आप चांत पब्लिशिंग की इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं एंड इफ यू डोंट हैव हार्ड कॉपी ऑफ दीज बुक्स लिंक ई बुक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो आइए शुरू करते हैं डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग फ्रॉग के डेवलपमेंट की बात हम करते हैं डिस्कशन करते हैं जो क्वेश्चंस मैंने आपसे शुरू में पूछे थे उनके आंसर्स आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे अगर आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो फ्रॉग तो एक एम्फीबियन है ये आप सब लोग जानते हैं टेक्सोनोमी के वीडियोस में हमने उसके बारे में और डिस्कशन किया था नाउ One interesting thing that, that remains very uh, useful for us is the change in way organisms copulate, that the way in which fertilization takes place, that is also gradually ascended during the evolution. Although formation of sperms and ovum, that is, you can say spermatogenesis, oogenesis, or gametogenesis in general, gametogenesis, spermatogenesis, and oogenesis ये फ्रॉग में भी वैसे ही होती है जैसे बाकी ऑर्गेनिजम्स में होती है यानी कि दे हैव देर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिनमें अर्ली स्टेज में ही उगोनियम और स्पर्मेटोगोनियम दे गिव राइज टू डेवलपमेंट ऑफ स्पॉम्स एंड ओवम आफ्टर द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ मी व्हिच वी कॉल गैमेटोजेनेसिस लेकिन इसके बाद का जो प्रोसेस है वो स्पेसिफिक केसेस में वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म बदलता रहता है फ्रॉग हैज बीन अ मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर डेवलपमेंटल बायोलॉजी सिंस अ लॉन्ग टाइम काफ़ी समय पहले से फ्रॉग के ऊपर डेवलपमेंटल बायोलॉजी की स्टडीज़ की गई थी इसलिए फ्रॉग हेज़ एस्टैब्लिश इट्ल्फ एज अ वेल एज अ वेरी वेल एक्सप्लेनेटरी नोट एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेटरी नोट हमें मिलता है सारी स्टेजेस को समझने के लिए सो दैट्स वाई दिस इज़ इन योर सिलेबस एंड हम फ्रॉग की बात कर रहे हैं तो शुरू करते हैं कि किस तरह से फ्रॉग में डेवलपमेंट होता है कैसे फर्टिलाइजेशन के बाद एक कंप्लीट फ्रॉग का डेवलपमेंट होता है कैसे वो फॉर्म होता है

बट यस ऑफ कोर्स देर इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ मीटिंग मीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है मेल्स एंड फीमेल्स शुड कम टूगैदर सो दैट दे कैन ले देयर एग्स एंड स्पर्म्स एट वन कॉमन प्लेस फर्टिलाइजेशन हो सके उसके लिए उनको एक जगह एग्स और स्पर्म्स को ले करना पड़ेगा सो देर आर सम फीचर्स स्पेसिफिकली इन मेल्स और फीमेल्स टू अट्रैक्ट ईच अदर सो दैट दे कैन कम क्लोज एंड वोकल कॉर्ड्स इन द फ्रॉग्स जिनकी हम बात कर रहे थे मेल कभी कभी मार्शी एरियाज़ में बहुत ज़ोर से आवाज़ करते हैं देट इज़ बेसिकली देयर कॉल टू टू अट्रैक्ट मेट्स सो वोकल कॉर्ड से निकलने वाली इनकी जो आवाज़ होती है वो फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए होती है एंड दे ऑल्सो हैव न्यूपिटल पैड्स विच कंटेन द रिप्रोडक्टिव सेल्स रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं एंड दे डॉल्स कॉपुलेशन इनमें ट्रू कॉपुलेशन नहीं होता है बट दे हैवे फॉल्स कॉपुलेशन विच इज कॉल्ड एज एम्प्लैक्स वी विल टॉक अबाउट दैट सो कॉपुलेशन लीड्स टू द रिलीज ऑफ गैमिट्स कॉपुलेशन के बाद गैमिट्स रिलीज होता है एंड देन देडर गो फर्टिलाइजेशन सो एज वी लर्न जैसा कि हमने देखा कि गैमेटोजेसिस बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि बाकी ऑर्गेनिजम्स में होती है स्पर्मेटोजेनेसिस सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स में होती है जो कि टेस्टरिस का पार्ट है और ओव्यूल का फॉर्मेशन ओवरिज में होता है जो कि बाद में ओविडक्ट के थ्रू कन्वे कर दिया जाता है सो वी ऑल्सो शुड नो हमें यह भी पता होना चाहिए कि दीज आर मिसोल एसिथेल एग्स ये मिसोलैसेथेल एग्स हैं और इनमें इंटरमीडिएट क्वान्टिटी ऑफ यॉक होती है सो दे आर नॉट लाइक मेमेलियन एग्स दे आर ऑल्सो नॉट लाइक द एग्स ऑफ बर्ड्स जिनमें बहुत ज़्यादा योग होता है इनमें इंटरमीडिएट अमाउंट ऑफ यॉक प्रेजेंट होता है एंड जनरली वेन द एग इज़ प्रोड्यूस्ड जब एग प्रोड्यूज होता है वेन इट इज़ अनफर्टिलाइज देन इट इज़ सिमेट्रिक इसके बारे में हमें जानना जरूरी है क्योंकि हम डिस्कस करेंगे इनिशियली दिस एग इज सिमेट्रिक एंड दैट हैज रेडियल सिमेट्री रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि जैसे एक एक बॉल है उसको आप कहीं से भी कट कर दें तो दो पार्ट्स जो बनेंगे वो आइडेंटिकल बनेंगे सो एग इज एंटायरली आइडेंटिकल एट ऑल द प्लेसेस सो इफ यू कट इट इन एनी प्लेन किसी भी प्लेन में आप इसको कट कर दें दैट विल रिमेन रेडियली सिमेट्रिकल तो ये कुछ फीचर्स होते हैं इनके एग और स्पॉम के नाउ वंस दे आर मैच्योर दे आर स्टोर्ड इन रिस्पेक्टिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड During the process of amplexus, when uh, males attract females by their vocal cords, they come close together and they undergo a process which is called as amplexus. Amplexus means it is a false copulation, it is not a true copulation but a false copulation. So, uh, during this process, uh, both these organisms, uh, male and female, they release. Their respective reproductive cells, eggs and ovum, and this kind of process, which is also called as spawning, is called spawning In this process, a jelly-like egg uh, may be in thousands of numbers, 3000 to up to 5000, it eggs and sperms release and they enter into water. जेली लाइक सब्सटेंस इनके चारों तरफ एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो इनको कवर करके रखता है तो जितने भी एग्स रिलीज हुए हैं वो सारे एग्स क्या हैं एक ही जेली के अंदर फिटेड होते हैं वो इधर उधर नहीं जाते तो दिस जेली लाइक मटेरियल दैट हैज गॉट अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस इसके एडवांटेजेस हैं कई सारे एक तो ये इन एग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सो दैट दे डोंट गेट डिहाइड्रेटेड दे डोंट गेट डैमेज और इन्फेक्टेड ना हो कंटेमिनेटेड ना हो उससे बचा के रखता है और दूसरी चीज क्या है ये इसको आ, एक वॉल्यूम प्रोवाइड करता है एक्सपेंशन के लिए इट इट आल्सो एब्जॉर्ब लिटिल बिट ऑफ वाटर सो दैट इट गेट एक्सपेंडेड एंड स्लाइमी नेचर इनिशियली जो ये स्लाइमी होते हैं जब ये प्रोड्यूस होते हैं थोड़ी देर बाद जब फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है देयर स्लाइमी नेचर इज गॉन दे डोंट रिमेन स्लाइमी सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज अ यूनिक फीचर ऑफ एम्फीबियंस इसका मतलब शरीर के बाहर ही दोनों चीज़ें फर्टिलाइज होती हैं नॉट लाइक हायर मैमल्स और हायर ऑर्गेनिजम्स जहाँ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शरीर के अंदर होता है नो वंस दिस इज हैपन जब ये प्रोसेस हो जाता है ईच एग विल नाउ बी कॉल्ड एज जायॉट जिसके बारे में हम अभी तक डिस्कशन करते आए हैं कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो एग में दो न्यूक्लियस एक मदर का न्यूक्लियस एक फीमेल का न्यूक्लियस और एक मेल का न्यूक्लियस दे विल कम क्लोज टू इच अदर नाउ वन वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना आकर्स इन द एग्स और फर्टिलाइज एग्स ऑफ फ्रॉग एंड ऑल द एम्फीबियंस कोर्स दैट देर इज डेवलपमेंट ऑफ ए सीमेट्री इन द एग हमने बात की थी कि फ्रॉग का जो एग है वो सिमेट्रिक होता है यानी कि आप कहीं से भी उसको कट करें तो रेडियली सिमेट्रिक है वो एक जैसे आइडेंटिकल पीसेज में डिवाइड हो जाएगा बट एज एज द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस जैसे ही इस फॉर्म इसमें एंट्री करता है वैसे ही इसमें एसिमेट्रिक एक एरिया डेवलप हो जाता है एंड फ्रॉम रेडियली सिमेट्रिक एग इट टर्न्स इनटू बायोलेट्रल सिमेट्रिकल एग और बायोलेट्रली सिमेट्रिकल जाइगॉट दैट इज एन अर्ली इवेंट एंड दैट डिसाइड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं इस अर्ली बायोलेट्रल सिमेटराइजेशन से रेडियली सिमेट्रिक से बायोलेट्रल सिमेट्रिक का बदल जाना काफ़ी सारी चीज़ें डिसाइड करता है फॉर एग्जाम्पल डिसीजन ऑफ द फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट ऑफ द बॉडी डिसीजन ऑफ द डॉर्सल पार्ट एंड वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी ये सारी चीज़ें इसी बायोलेट्रल सीमेट्राइजेशन प्रोसेस से ही ऑप्टेन होती है सो वॉट एग्जैक्टली हैपन्स इन दिस प्रोसेस लेट सी दैट इन डिटेल डिटेल में देखते हैं सो एज आई टोल्ड यू इनिशियली जैसा कि मैंने आपको बताया इनिशियली कि ये जो एग है ये सिमेट्रिक रहता है और इस एग में एक पिगमेंटेड सेल्स का क्लस्टर होता है पिगमेंटेड सेल्स का पार्ट होता है विच यू कैन सी हियर कॉल्ड विटेलाइन कॉपुला दिस विटेलाइन कॉपुला सेट ऑफ पिगमेंटेड सेल्स प्रेजेंट एट अ स्पेसिफिक पोजिशन जैसे आप समझ लीजिए कि एक बॉल में पानी भर ले आप और उसमें थोड़ा सा इंक डाल दें तो इस तरह से ये पिगमेंटेड सेल्स का यहाँ पर फ्रैक्शन है एंड दिस इज नाउ रेडियली सिमेट्रिकल, कहीं से भी कट करेंगे एक जो है इक्वली डिवाइड हो जाएगा बिल्कुल आइडेंटिकल टू पीसेस बनाएगा दिस एम एंड एन माइट रिप्रेजेंट द्वार विच विल हेल्पअर एंगल एट विच इट इज प्रेजेंट ये दो एक्सेस समझ लीजिए दो पॉइंट्स है जो हमको एक्सेस समझने में मदद करेंगे नाउ व्हाट वट नेक्स्ट एज सुन एज दिस एग इज फर्टिलाइज जैसे ही एग फर्टिलाइज होता है सो द पॉइंट फ्रॉम वेयर स्पर्म मेक्स एन एंट्री स्पर्म जब इस एग में एंट्री करता है देन दैट कॉजिस अ सडन चेंज इन मूवमेंट ऑफ दिस कॉर्टिकल सेल्स और दिस पिगमेंटेड सेल्स इस पिगमेंट में इसकी पोजिशन में डिफरेंस आता है and it actually get drifted from one part to another part you can see that it was up to this level initially but it got drifted to this part and it amount a risk amount so there is a gradual displacement in this cortical matter from m to n is the displacement now due to the displacement what actually happens it was initially like this and now it gets completely displaced to this area and you can see here the sperm penetration track also sperm jis raste is egg and finally uh, the nucleus got fertilized so the direction in which it gets rotated ye jo entry hui iske baad, rotation hua aur ye pigmented cells ka movement hua that leaves a very small area ये वाला जो पार्ट है जहां पहले पिगमेंटेड पार्ट था लेकिन अब उसका पिगमेंट ड्रिफ्ट हो गया है दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर इन एग फॉर डिसाइडिंग वेरियस ओरिजिन ऑफ वेरियस पार्ट्स एट द लेटर पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट यानी कि ये जो एरिया बना ये थोड़ा सा ग्रे हो जाता है और इसलिए इसको एक नाम दिया जाता है कॉल्ड ग्रे क्रेसेंट इसको ग्रे क्रेसेंट कहते हैं तो ये ग्रे क्रेसेंट का फॉर्मेशन कैसे हुआ मूवमेंट ऑफ़ दि सेल्स एंड नाउ व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट क्यों इंपॉर्टेंट है सो दिस इज डिवाइडिंग द एग और ट्रांसफॉर्मिंग द एग फ्रॉम रेडियली सिमेट्रिक टू बायोलिट्रली सिमेट्रिक और ये जो सीमेट्राइजेशन हो गया इसके बाद अब एग का फेट यही डिसाइड हो गया कि कौन सा पार्ट इसमें फ्रंट बनेगा कौन सा पार्ट बैक बनेगा तो अगर आप ये इमेजिन कर रहे हैं कि एक जाइट जो आइडेंटिकल होता है चारों तरफ से इनिशियल सिग्नल कैसे उसके पास आता है कि कौन सा पार्ट हेड बनेगा कौन सा पार्ट टेल बनेगा कौन सा पार्ट पीठ वाला पार्ट बनाएगा कौन सा पेट वाला पार्ट बनाएगा तो ये सारी चीज़ें इस पार्ट से इस पॉइंट से हमें सीखने को मिली कि ग्रे क्रेसेंट इज अ पॉइंट विच लीड टू दी अर्लीमिट बायोलेट्रल सिमिट्राइजेशन ऑफ द एग फ्रॉम रेडियल सिमिट्री एंड दैट लीड्स टू द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेस एक्सेस का डिटर्मिनेशन होता है ना व्हाट हैपन्स आफ्टर दिस इसके बाद क्या होता है किस तरह से फर्दर डेवलपमेंट होता है ऑफकोर्स देर विल बी इवेंट्स लाइक देर विल बी ब्लास्टुलेशन ब्लास्टुला होगा फिर गैस्टुलेशन होगा गैस्टुलेशन के बाद ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होगा और किस तरह से फिर पूरे फ्रॉक का डेवलपमेंट होता है वी विल सी आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक हेलो एवरीवन थर्मोडाइनेमिक्स फिज़िक्स का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न अक्सर बनी रहती हैं सिस्टम और सराउंडिंग की ये कन्फ्यूज़न हम दूर करने के लिए आपके सामने आ रहे हैं मैं हूँ डॉक्टर सचिन कुमार और एस चांद एकेडमी पर हम आएंगे और पढ़ेंगे थर्मोडाइनमिक्स के ऐसे ही टॉपिक्स बिल्कुल आसान तरीके से सो जस्ट स्टे कनेक्टेड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम कनेक्टेड रहें और आप तक ऐसे ही टॉपिक्स लाते रहें और आप बढ़िया से पढ़ाई कर पाए वेलकम बैक टू एचांत अकेडमी हम लोग फ्रॉग के डेवलपमेंट के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और हमने देखा कि किस तरह से एम्प्लेक्सेस यानी कि फॉल्स कॉपुलेशन के बाद फ्रॉग में फर्टिलाइजेशन होता है और कैसे उसमें ग्रे क्रेसेंट एरिया का डेवलपमेंट होता है ना वंस द ग्रे क्रेसेंट इज डेवलप्ड दी सेल्स कीप ऑन डिवाइडिंग नॉर्मल क्लिविज विल हैपन that will eventually give rise to morula and then it will form blastula which is a liquid filled cavity बीच में एक ब्लास्टोसील भरी हुई cavity होती है and after the blastula stage there is formation of a blastopore जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से ब्लास्टोफोर का फॉर्मेशन होता है वहीं पर ब्लास्टुला खत्म हो जाता है और फिर जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन होता है जिसे हम गैस्ट्रुलेशन कहते हैं so let's see in more detail in specific context of the frog these are the basic uh, developmental stages जिसमें आप देख रहे हैं कि देर वॉज इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ अ ग्रे क्रेसेंट एरिया एंड देन द ग्रे क्रेसेंट विल बी समथिंग दैट विल बी ड्राइविंग द पॉइंट ऑफ क्लीवेज सो इनिशियली फ्रॉम फर्टिलाइज डेट इट विल टर्न इन टू टू सेल्ड स्टेज एंड देन फोर सेल्ड स्टेज एंड देन एट सेल्ड स्टेज एंड देन एंड देन फाइनली थर्टी टू सो दिस सॉलिड मास ऑफ द सेल्स पहले भी हम इस बारे में जान चुके हैं इस मास को क्या कहते हैं हम मोरूला कहते हैं क्योंकि ये मलबेरी की तरह दिखता है फिर इस मोरूला के अंदर क्या होता है देर इज़ मूवमेंट ऑफ दिस सेल्स टूवर्ड्स द आउटर पेरेफ्री कुछ सेल्स छोटी रह जाती हैं कुछ बड़ी हो जाती हैं क्योंकि अब मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन हो चुका है जो डिविजन है वो एसिमेट्रिक हो चुका है सो सम ऑफ द सेल्स दे बिकम स्मॉलर एज यू कैन सी हीयर कुछ सेल्स यहाँ पर छोटी हो गई हैं एंड सम ऑफ द सेल्स विच आर डिवाइडिंग स्लोली कंपेरेटिवली स्लोली एंड दे आर स्पेंडिंग मोर टाइम इन ग्रोथ कुछ सेल्स जो ग्रोथ में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही हैं डिवाइड धीरे हो रही हैं वो बड़ी रह जाती हैं सो वी यूजली हैव अ डिविजन ऑफ द सेल्स लाइक माइक्रोमेयर्स एंड मैक्रोमेयर्स एंड देन दिस ऑल्सो रिजल्ट इन अ हॉलो कैविटी इन साइड अंदर की तरफ एक कैविटी बन जाती है एंड दिस कैविटी एज वी नो जैसा कि हम जानते हैं इस कैविटी को क्या नाम दिया जाता है ब्लास्टोसील कहा जाता है तो ये जो ब्लास्टोसील कैविटी है जब ये अंदर बन जाती है ये एक हॉलो uh, स्फेयर कह सकते हैं आप बन गया सॉलिड स्फेयर से दिस स्टेज इज कॉल्ड एस ब्लास्टुला स्टेज वंस दिस ब्लास्टुला स्टेज फर्दर डेवलप्स जब ये फर्दर डेवलप होती है द नेक्स्ट इवेंट एज वी डिस्कसड इज फॉर्मेशन ऑफ अ पोर एंड दैट पोर इनिशिएट्स द स्टेज विच इज कॉल्ड एस गैस्टुला स्टेज और द प्रोसेस कॉल्ड गैसचुलेशन इसके बाद गैसचुलेशन शुरू होता है तो गैसचुलेशन में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ब्लास्टोसील कैविटी है जो पहले पूरे स्फेयर के अंदर थी लेकिन कुछ मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स होते हैं अगर आपको ध्यान है पिछले वीडियो में हमने बात की थी मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स की एपिबोली इंग्रेशन इमेजिनेशन तो उन्हीं मूवमेंट्स की वजह से ये जो सेल्स यहाँ पर आप देख रहे हैं दी सेल्स स्टार्ट प्रॉलीफरेटिंग एंड पुशिंग इन साइड द ब्लास्टोसील ब्लास्टोसील के अंदर ये सेल्स पुश करने लगती हैं एंड दिस पार्ट ये वाला जो पार्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो ओपनिंग है छोटी सी दिस इज एक्चुअली ब्लास्टो और ब्लास्टोपोर का जो इट्स लाइक अ लिप आप एक लिप की तरह समझ सकते हैं अगर इस तरह से सेल्स फोल्ड हुई तो ये अपर लिप है या लोअर लिप है दिस इज कॉल्ड एज डॉर्सल लिप एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज वेंट्रल लिप सो दीज लिप्स आर पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन अर्ली डिटर्मिनेशन दैट विच ऑर्गन्स विल बी फॉर्मड एंड विच लेयर्स विल बी फॉर्म फ्रॉम इट यू कैन सी हेयर इन मोर डिटेल द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ दिस सेल्स जो मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स होते हैं वो आप देख सकते हैं दिस इज रिप्रेजेंटिंग द एक्सपेंशन ऑफ द सेल्स आफ्टर डिविजन एंड दिस एरिया इज रिप्रेजेंटिंग द ब्लास्टोपोर ये ब्लास्टोपोर को रिप्रेजेंट कर रहा है सो दिस इज हाउ प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन टेक्स प्लेस इन द फ्रॉग इस तरह से गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है नाउ व्हेन द गैस्ट्रुलेशन हैपेंस अनदर इंपॉर्टेंट इवेंट एज आई टोल्ड यू जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अब जर्मिनल लेयर्स बनने लगेंगी जर्मिनल लेयर्स यानी कि एक्टोडम डिफाइन हो जाएगी मिजोडम डिफाइन हो जाएगी एंडोडम डिफाइन हो जाएगी और ये जो पोर है ये पोर धीरे धीरे चलकर अंदर तक पेनीट्रेट हो जाएगा और बाहर से ये क्लोज़ हो जाएगा तो जब एक पोर यहाँ पर अंदर तक बना और बाहर से क्लोज हो गया तो आपको नहीं लगता कि ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा अंदर एक ट्यूब क्रिएट हो जाएगी वही ट्यूब हमारी एलिमेंट्री कैनाल बनाती है एंड द सेम हैपन्स इन केस ऑफ फ्रॉग फ्रॉग में भी वही होता है तो फ्रॉग में ये आगे चलकर एलिमेंट्री कैनाल एक बीच की ट्यूब बन जाती है और जो बाकी सारे इधर उधर की सेल्स हैं ऑल दी सेल्स दे गिव राइज टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ना वॉट आर दीज स्ट्रक्चर्स लेट एस सी दैट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर विच इज़ फॉर्म जस्ट आफ्टर गैस्टुलेशन इज द नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट एक अपने आप में अलग और इंडिपेंडेंट प्रोसेस है जिसको हम न्यूरिलेशन भी कहते हैं और जब नर्वस सिस्टम का इनिशियल पार्ट बनने लग जाता है तो उस स्टेज को हम जैसे हमने मोरूला नाम दिया गेस्ट्रोला नाम दिया ऐसे नरुला भी उसको बोला जाता है सो द इवेंट ऑफ न्यूरिलेशन अगर हम न्यूरिलेशन की बात करें कि कैसे वो फोल्ड्स नर्वस सिस्टम को बनाने में मदद करते हैं सो इनिशियली देर विल बी प्रेजम्प्टिव न्यूरल क्रेस्ट सेल्स यानी कि गैसचुलेशन के बाद कुछ एरिया में ऐसी सेल्स होती हैं जो कि प्रेजम्पटिव न्यूरल क्रेस्ट सेल्स बनती हैं अब ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन सी सेल न्यूरल क्रेस्ट सेल बनेंगी कौन सी सेल किडनी की सेल बनेंगी तो इनके बारे में हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे कि कुछ मोलिकुलर सिग्नल्स होते हैं मोलिकुलर मॉर्फोजेंस होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कौन से एरिया में किस सेल को किस तरह से डिफ्रेंशिएट होना है बट इन अ स्पेसिफिक एरिया एम्ब्रियो का जो डॉर्सल पार्ट है उसमें ये ये न्यूरल क्रेस्ट होती हैं और ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स एक न्यूरल प्लेट के दोनों तरफ होती हैं डिविजन के बाद ये सेल्स इस प्लेट को डिस्प्लेस करती हैं एंड दिस प्लेट न्यूरल प्लेट विच इज मेड नंबर ऑफ सेल्स दैट फॉर्म्स अ स्मॉल ग्रूफ एक छोटा सा ग्रूफ बनता है विच इज़ कॉल्ड एज न्यूरल ग्रूफ और ये दोनों चीज़ें क्या कहलाती हैं न्यूरल फोल्ड कहलाती है आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे मेरा हाथ है और बीच ये वाली ये वाला जो एरिया है न्यूरल प्लेट है इसको आगे चलकर नर्वस सिस्टम बनना है तो ग्रेजुअली इधर की जो सेल्स हैं वो उठ गई और इधर की सेल्स उठ गई मॉर्फोजेनिक मूवमेंट से और बीच में जो एरिया बना ये न्यूरल ग्रूव है और ये यहाँ पर न्यूरल फोल्ड्स है सो दिस इज हाउ इनिशियली न्यूरल फोल्ड बिगिन टू हैपन बिगिन टू फॉर्म एंड दैट फोल्ड कीप्स ऑन कमिंग क्लोजर कन्वर्जिंग ये धीरे धीरे क्रेस्ट कन्वर्ज होने लगती है एंड यू विल नोटिस दैट एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम दिस विल गेट कंप्लीटली क्लोज तो यह सेल ऐसे उठते 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 इस तरह से क्लोज हो जाती है एंड वेन दे गेट क्लोज दे अगेन फॉर्म अ ट्यूब एक और ट्यूब यहां पर क्रिएट हो गई नाउ दिस पार्ट This tube which is formed, this will eventually be called as neural tube. ye क्या कहलाएगी Neural tube कहलाएगी तो इस तरह से neural tube का formation होता है और इसी के साथ यहीं पर जो अक्रॉस द लेंथ ऑफ एम्ब्रियो ये हम transverse सेक्शन देख रहे हैं एम्ब्रियो को ऊपर से काट के और फिर सामने से देख रहे हैं लेकिन ये न्यूरल ट्यूब क्या होगी इट विल बी across द लेंथ ऑफ द एम्ब्रियो तो जो बेसिक नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर है एंड द नोटोकॉड जो नोटोकॉड है नर्वस uh, सिस्टम के नीचे ऑल दीज थिंग्स दे स्टार्ट टू डेवलप इन द अर्ली निला स्टेज विच इज़ जस्ट आफ्टर द गैस्टूला गैस्टुलेशन के तुरंत बाद ये न्यूरेशन का प्रोसेस होता है और नर्वस सिस्टम बनना शुरू हो जाता है इफ़ यू लुक एट दीज इवेंट्स इन मोर क्लोजर लुक अगर आप इन इवेंट्स को और थोड़ा सा क्लोजर लुक में देखें और एनाटोमिकली समझने की कोशिश करें कि स्टेप बाई स्टेप किस तरह से न्यू रिलेशन होता है और कैसे वो फोल्ड्स बदलते हैं सो आई विल से इफ यू नो अबाउट व्हाट वी डिस्कस सो फार अगर आपको वो बात समझ में आई जो मैंने बताई वहाँ हम ट्रांसफर सेक्शन देख रहे थे अभी हम सामने से एमरीओ को देख रहे हैं सो दिस इज दर्ली एमबरीओ विच इज़ शोइंग आई मीन मीजोडर्म एंडोडर्म एंड एपीडर्मि सो यू कैन इमेजन दिस इज द गैस्ट्रेला स्टेज एम्ब्रियो गैस्ट्रेला के बाद हमने डिस्कस किया कि एक जो न्यूरल क्रेस्ट है न्यूरल प्लेट है उसकी सेल्स फोल्ड होती है और जब वो पूरी तरह फोल्ड हो जाती हैं तो वह एक ट्यूब बनाना शुरू कर देती हैं सो यू कैन सी द फोल्डिंग कम्प्लीट फोल्डिंग ऑफ दैट ट्यूब मच क्लियरली इन दिस पार्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल्स जो है कवर करके पूरी तरह इसको कवर कर लिया एंड इफ़ यू लुक इट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन यू विल फाइंड दैट देर इज अ कैविटी ऑफ द गट ऑलरेडी एंड देर इज नोटोकॉर्ड इन द मिडल एंड दिस पार्ट इज एक्चुअली अ न्यूरल क्रेस्ट सो साइमल्टेनियसली एक ट्यूब तो पहले बन गई थी जो जब गैस्ट्रोला का फॉर्मेशन हुआ था तो एक ट्यूब पहले बन गई थी वो पूरी बॉडी में बीचों बीच में और जो मीज़ोडम है इधर उधर जो लेयर्स हैं दे आर अगेन फोल्डिंग बाय डिफरेंट मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स एंड दे आर गिविंग राइज टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स वो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स बना रहे इन द मीन टाइम उसी टाइम में बाकी जो सेल्स हैं जैसे कि एक्टोडर्मिस है बाहर और बाकी जो मिज़ोडम के पार्ट है गिविंग राइज टू डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक सम ऑफ द सेल्स दे आर कॉल्ड एज प्रजेंवटिव सुमाइट्स सुमाइट्स होते हैं जो हमारी मसल्स बना लेते हैं फिर आपको ध्यान होगा हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी के शुरू में जब कंपैरेटिव एनाटॉमी डिस्कस कर रहे थे तो हमने फैरेंजियल गिल्सलिट्स के बारे में बात की थी हमने बात की थी कि किडनी का डेवलपमेंट कैसे होता है मिजोनेफ्रस प्रोनेफ्रस मेटानैफ्रस फॉर्मेशन होता है तो जगह जगह स्किन फोल्ड होकर छोटे छोटे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स प्रिमिटिव एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू करती है एंड दे कीप ऑन मैच्योरिंग देमसेल्व्स देन इवेंचुअली

तब एक टैडपोल बनता है और वो टैडपोल कहीं से भी मेंढक जैसा नहीं लगता है इट इज़ क्वाइट डिफरेंट इट इट लुक्स मोस्टली लाइक अ फिश ये फिश जैसा ज्यादा लगता है इफ यू हैपन टू सी सम समेडपोल्स इन पूल और पॉन्ड समवेयर यू विल रियलाइज दैट इट लुक्स लाइक मोर लेस लाइक अ फिश सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ फिनमिना विच कंटिन्यूज आफ्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी कि ये सारा डेवलपमेंट पूरा हो गया ये ऑर्गेनिज्म है कैपेबल है खुद ग्रो करने का लेकिन फिर भी इसकी लाइफ में कुछ चेंजेस होते हैं जिसके बाद ये एक्चुअल ऑर्गेनिज्म की तरह दिखने लगता है फ्रॉक की तरह दिखने लगता है सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेटामोरफोसिस, नॉट सीन इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स सब में नहीं देखने को मिलता है तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट डेवलपमेंट के बाद इसमें टैडपोल्स से यंग फ्रॉग बनने तक की जो जर्नी है उसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं इस मेटामॉर्फोसिस में बहुत सारे चेंजेस फ्रॉग की बॉडी में होते हैं कुछ चेंजेस जो हैं डिस्ट्रक्टिव होते हैं कुछ चेंजेस कंस्ट्रक्टिव होते हैं देयर आर फ्यू चेंजेस व्हिच आर डिस्ट्रक्टिव एंड देयर आर अ फ्यू चेंजेस व्हिच आर कंस्ट्रक्टिव तो अगर हम डिस्ट्रक्टिव चेंजेस की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज जो देखने को मिलता है दैट इज लॉस ऑफ दिस टेल आप यहां पर देख रहे हैं कि टेल एक टैडपोल में काफी प्रोमिनेंट होती है जो उसको स्विमिंग में मदद करती है ये टेल धीरे धीरे जैसे जैसे टैडपोल मैच्योर होते हैं फ्रॉग में यू विल सी दैट इट इज कंप्लीटली गॉन पूरी तरह चली जाती है तो लॉस ऑफ टेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रक्टिव चेंज इन द मेटामॉरफोसिस अनदर थिंग टैडपोल का जो रेस्पिरेशन होता है वो गिल्स और लंग्स दोनों के थ्रू होता है बट मोस्टली दे रिमेन इनसाइड द वॉटर सो दे मोस्ट ऑफन दे यूज गिल्स लेकिन ये गिल्स भी जैसे जैसे मेटामोफोसिस होती है ये बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं यानी कि डाइजेस्ट होकर यूटिलाइज हो जाते हैं उनकी सारी सेल्स खत्म हो जाती हैं तो लॉस ऑफ गिल्स is another very important destructive change that is seen during the metamorphosis. Metamorphosis के दौरान देखने को मिलता है. Another uh, change that happens in the kidneys. Kidney जो होती हैं इनकी वो pronephros होती हैं. I hope आपको याद होगा pronephros किसे कहते हैं? अगर नहीं याद है तो आप urogenital system के video को देख सकते हैं. वहाँ पर ये describe किया गया है. So kidneys change from pronephros to metanephros. किडनीज जो है वो चेंज हो जाती हैं प्रोनेफ्रस से मेटानेफरस में सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ चेंज विच इज सीन इन द फ्रॉग काफी सारा इसका जो स्किन का पार्ट है वो भी शेड ऑफ होता है लॉट ऑफ पार्ट ऑफ द स्किन दैट इज शेड ऑफ ड्यूरिंग दिस मेटामॉरफोसिस सो शेडिंग ऑफ ऑफ द स्किन दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रक्टिव चेंज विच है नाउ टॉकिंग अबाउट कंस्ट्रक्टिव चेंजेस अगर हम कंस्ट्रक्टिव चेंजेस की बात करें कि क्या चीज़ इम्प्रूव होती है क्या चीज़ बेटर होती है सो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कंस्ट्रक्टिव चेंज इज द आउटग्रोथ ऑफ लिम्स यू डोंट हैव वेरी वेल डेवलप्ड एंड वेरी वेल डिफाइंड लिम्स एयर यहाँ पर लिम्स नहीं होते हैं लेकिन आप देखेंगे कि मेटामोरफोसिस में किस तरह से जो फ्रॉगलेट है इसके बाद जो अर्ली ऑर्गेनिजम्स हैं जब खत्म होने वाली होती है इनकी मेटामोरफोसिस तो ग्रेजुअली इनके लिम का साइज धीरे धीरे बढ़ जाता है एंड दे हैव वेरी वेल डिफाइंड लिम्स सो दैट्स अगेन क्यूरियस क्वेश्चन ये भी एक मैटर ऑफ क्यूरियोसिटी है कि किस तरह से एमरानिक डेवलपमेंट पूरा होने के बाद कैसे स्टिमूल्स आता होगा कैसे लिम्स बनते होंगे और लिम्स कैसे डेवलप होते होंगे वी विल सी दैट इन कमिंग वीडियोज अबाउट लिम रिजनरेशन अपार्ट फ्रॉम द लिम्स there is also a change in पोजीशन ऑफ आई आंख की जो पोजीशन है जॉ के बोन्स इन सब का फर्दर डेवलपमेंट होता है आइज आ रीपोजिशन बिकॉज द लार्वा हैज अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट इट, लुकिंग एट थिंग्स एंड दे हैव अ डिफरेंट वे ऑफ विजन सो आइज की पोजीशन, आइस का स्ट्रक्चर ये सारी चीजें चेंज होती हैं एंड देर इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ बायोकेमिकल चेंजेस अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स इसके अलावा मेटामॉरफोसिस क्योंकि ये बायोकेमिकल और मोलिकुलर बायोलॉजी से कंट्रोल्ड प्रोसेस है तो कोर्स देर विल बी चेंज इन दी ट्रांसक्रिप्शन लेवल देर विल बी चेंज इन ट्रांसलेशन सम ऑफ़ द हार्मोन्स बिगिन टू बी सिंथेसाइज्ड जैसे कि पैंक्रियाज फुली फंक्शनल हो जाता है पैंक्रियाज से जो एंजाइम्स हैं वो सिक्रीट होने लगते हैं इट ऑल्सो स्टार्ट टू प्रोड्यूस अ प्रोटीन कॉल्ड सेरुलोप्लाजमिन सेरुलोप्लाज्मिन एक प्रोटीन है जो बनना शुरू हो जाता है टेटपोल स्टेट में ये नहीं होता है सो आई विल से ओवरऑल कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फ्रॉक का इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें सिर्फ केवल एक एम्ब्रियो जो है डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म को नहीं बनाता है बल्कि एक प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म बनता है विच इज टेटपोल एंड देन टेटपोल अंडर अ मैच्योरेशन टू फ्रॉक विच इज कॉल्ड मेटामोरफोसिस सो मेटामोरफोसिस इज एन इवेंट विच इज डिफरेंट दैन एम्ब्रिय डेवलपमेंट इट एंड इट इज फाउंड इन ओनली अ कपल ऑफ ऑर्गेनिज्म ओनली अ फ्यू ऑर्गेनिज्म कुछ ऑर्गेनिजम्स में ही मिलता है एंड दिस इज नोट वर्दी बिकॉज दिस गिवस अस इंपॉर्टेंट लेसन्स अबाउट चेंज इन द शेप मे बी फ्यूचर में अगर हम ये समझ जाएँ कि मेटमॉर्फोसिस कैसे होती है तो हम किसी ऑर्गेनिजम को आर्टिफिशियली ये प्रोसेस इंड्यूस करके ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे दैट मस्ट बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि मेटामफोसिस इंड्यूस की जा सकती है या फिर किसी के किसी का हाथ कट गया लिम्ब एम्पूटेशन हो गया बहुत सारे वर्ल्ड में लोग ऐसे हैं जिनके कुछ ऑर्गन्स काम नहीं करते हैं तो हम इन चीज़ों को समझ कर उन ऑर्गन के जनरेशन उन फॉर्मेशंस को उन मेटामोफोसिस को इंड्यूस करा सकते हैं ह्यूमन हेल्थ और ह्यूमन बेनिफिट के लिए दैट्स एडवांटेज ऑफ टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन चीज़ों के बारे में बात करने का ये एडवांटेज है सो फाइनली लेट सम ऑफ द थिंग्स हम इन चीज़ों को समअप करते हैं हमने इस वीडियो में फ्रॉक के डेवलपमेंट के बारे में बात की और ये देखा कि किस तरह से फ्रॉक का डेवलपमेंट एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से शुरू होकर इट पासस थ्रू द नॉर्मल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट लाइक ब्लास्टुला गैस्टुला देन न्यूरिलेशन हैपन्स एंड साइमल्टेनियसली लॉट ऑफ अदर ऑर्गन्स और ऑर्गेनोजेस हैपन्स एंड फाइनली इट गिव्स राइज टू अ टैडपोल विच इज़ कैपेबल ऑफ फ्रीली मूविंग इन द वॉटर एंड इट कैन टेक इट्स ओन फूड सो इट इज़ एन इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर्म बट इट हैज़ टू पास थ्रू अनदर फेज टू ट्रांसफॉर्म इंटू अ फ्रॉग एक कंप्लीट फ्रॉग बनने के लिए उसको एक और प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसको हम मेटम और फोसिस कहते हैं और मेटम और फोसिस में किस तरह के चेंजेस होते हैं कुछ डिस्ट्रक्टिव चेंजेस हैं कुछ कंस्ट्रक्टिव चेंजेस हैं और कुछ बायोकेमिकल चेंजेस हैं उनके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया आई होप यू इन्जॉयड दिस वीडियो अगर आपको इन टॉपिक्स के बारे में और कुछ पढ़ना हो तो आप एचांत पब्लिशिंग की इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं एंड इफ़ यू डोंट हैव हार्ड कॉपी ऑफ दिस बुक्स लिंक फॉर ई बुक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन इफ यू वॉन्ट रेगुलर अपडेट्स और अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो डेफिनेटली यू शुड सब्सक्राइब एंड प्रेस अ लाइक बटन थैंक यू वेरी मच All rights resolved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.